छिंदवाड़ा में प्रशासन की संयुक्त टीम ने रेत माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रेत माफियाओं के रेत से भरे कई ट्रैक्टर प्रशासन ने पकड़े हैं और उन पर कार्रवाई की है। इसके बावजूद कुछ सफेदपोश रेत माफिया अपना काला कारोबार जारी रखे हुए हैं। छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव एसडीएम तहसीलदार और एसडीओपी की संयुक्त टीम ने रेत माफियाओं की धरपकड़ की। प्रशासन की मॉर्निंग वॉक में हुई कार्रवाई से रेत तस्करों में हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने सुबह 4 ट्रैक्टर पकड़ के थाने में खड़े करवाए, इसमें कार्रवाई की। कुछ दिन पहले ही ट्रैक्टर संघ ने समाचार प्रकाशित करने पर झूठे आरोप लगाकर पत्रकारों की शिकायत की थी। जुन्नारदेव क्षेत्र में और सभी क्षेत्रों में लगभग काफ़ी इस बार बारिश होने के कारण नदियों में नालों में रेत इकट्ठे हो गई है जी। उसके कारण आए दिन ट्रैक्टरों के माध्यम से लोग बाग रेत का अवैध उत्खनन करके परिवहन करने की शिकायत आए दिन मिलते रहे। इसलिए हम लोगों ने आज फिर रात में कार्रवाई करके 4 ट्रैक्टरों को अवैध रूप से रेत और कुछ एक पहाड़ी पत्थर Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।